हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बिटमैप इमेज। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बिटमैप इमेज होती क्या है। बिटमैप एक इमेज फाइल फॉर्मेट होता है जिसका यूज़ हम ग्राफिक को डिज़ाइन करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए तथा उसको स्टोर करने के लिए करते हैं। बिटमैप को क्रिएट करने के लिए इमेज को सबसे छोटी यूनिट यानी कि पिक्सल में तोड़ा जाता है और उसके बाद हर एक पिक्सल की यानी कि प्रत्येक पिक्सल की कलर इन्फॉर्मेशन को बिट में स्टोर किया जाता है। तो ये होती है हमारी बिटमैप इमेज। अब हम देखेंगे कि बिटमैप इमेज के साथ में काम कैसे किया जाता है। तो ये जैसे हमारी एक इमेज है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इमेज में जाना होता है, मोड में जाना होता है। और देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, बिटमैप, ग्रे स्केल, ड्यू टोन इंडेक्स, आरजीबी, सीएमवाईके, लैब कलर, मल्टी चैनल। तो इसमें अभी जो इसका फॉर्मेट है, इस इमेज का जो फॉर्मेट है वो आरजीबी कलर में है। आरजीबी कलर मॉनिटर कलर होते हैं, वेब के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिजिटली इसको हम यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग में भी हम अभी यूज़ नहीं करते हैं। सीएमवाईके कलर हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसको बिटमैप में बनाने के लिए हमें इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको हम ग्रे स्केल में जाते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं ग्रे स्केल में, तो इसमें ऑप्शन पॉपअप होता है कि डिस्कार्ड कलर इन्फॉर्मेशन टू कंट्रोल द कन्वर्जन, यूज इमेज एडजस्टमेंट ब्लैक एंड वाइट। तो इसको हमें क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। जैसे ही हमने इसको डिस्कार्ड किया तो ये ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो जाते हैं इमेज में, मोड में, और बिटमैप देखें यहाँ पे ऑप्शन ऑन हो गया। बिटमैप पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें दिखाता है रेजोल्यूशन, आउटपुट 72 पिक्सल पर इंच, और यूज़ क्या है, पैटर्न एडिटर। तो इसको हम हिट करके देखते हैं एक बार, प्रेस करेंगे हम ओके बटन पर। तो देखिए चेंज हो गया, जैसा हमने बोला था कि बिटमैप कैसे काम करती है, सेम वही वो काम कर रहा है। इसको पिक्सल में इसने तोड़ दिया है। इसको हम वापस जाते हैं, कंट्रोल जेड से हम वापस जा सकते हैं, और कंट्रोल ऑल्ट प्लस जेड से हम मल्टी टाइम इसको अनडू कर सकते हैं। ओके, तो वापस से मोड इसका ग्रे स्केल कर देते हैं। इमेज में जाते हैं, मोड में जाते हैं, बिट मैप में जाते हैं, और यहाँ पर अलग अलग इसमें ऑप्शन दिए हैं। जैसे हमने अभी पैटर्न एडिटर किया था, 50% थ्रेशोल्ड करके देखते हैं। देखिए ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो गया है हमारा डिज़ाइन। इमेज, मोड, बिटमैप में जाते हैं अगेन। इसको हम हाफ टोन स्क्रीन करना चाहते हैं, देन प्रेस ओके। तो ये पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, यानी कि अगर 100% फ्रीक्वेंसी कर देते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं, 10 डिग्री हमने इसका एंगल चेंज किया, शेप स्क्वायर या राउंड राउंड रहने देते हैं, देन प्रेस ओके बटन। तो देखिए इस तरीके से दिखेगा यहाँ पर। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, उनका आप यूज़ करके अच्छा इसका डिज़ाइन बना सकते हैं, इमेज को बिटमैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ पैटर्न्स होते हैं, कस्टम पैटर्न्स फोटोशॉप में बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न्स होते हैं, और कुछ आप अपने खुद के भी पैटर्न बना सकते हैं, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे कि पैटर्न्स कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये पैटर्न लिया, ये पैटर्न हम ले लेते हैं, देन प्रेस ओके बटन। तो देखिए इस तरीके से इसने इस पूरे डिज़ाइन को चेंज कर दिया है, हमारे इमेज को। तो आप इस तरीके से बिटमैप का यूज़ कर सकते हैं, और जो हम आगे लेक्चर पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप इसको सीखते जाएंगे और आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम बिटमैप को बहुत तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये जितने भी लेक्चर हम ले रहे हैं, सारे बेसिक से, हम बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, और इसको हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। क्योंकि अगर आपको कुछ भी डिज़ाइन करना है बहुत अच्छे एडवांस लेवल में, बहुत अच्छे से सीखना है, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर हो या कोई और सॉफ्टवेयर हो, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं बना सकते हैं। एक बार आप सारे बेसिक आपके क्लियर होंगे तो आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं, एनीथिंग जो आप इमेजिन करते हैं,
जो आप विजुलाइज करते हैं, जो सोचते हैं, वो आप इसमें कर पाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।